कम जमीन में कम जगह में एक सबसे ज्यादा फायदा होता है, उससे दो गुना तीन गुना ज्यादा कमाई हमें फिश फार्मिंग से होता है, यानी मछली पालन से होता है। नमस्कार, मैं प्रेम राज वर्मा कृषि विकास ऐप से, और आज हम बिहार के पटना जिला के नौबतपुर ब्लॉक के रौनिया गांव में पहुंचे हैं। यहां पर हमारी मुलाकात मनोज सिंह जी से होगी और हम उनसे पूछेंगे कि वो मछली पालन का जो रोजगार करते हैं वो कैसे करते हैं, जीविकोपार्जन को और बढ़ाने के लिए, मुख्य धारा से और जुड़ने के लिए ये मछली पालन का भी काम करते हैं। तो हम अभी हमारे साथ में हैं मनोज सिंह जी। नमस्कार मनोज सिंह जी, कैसे हैं आप? ठीक है भाई। हमें पता चला कि आप खेती करते हैं, आप खेती के साथ साथ मछली पालन जिसको हम लोग फिश फार्मिंग कहते हैं ये भी आप काम करते हैं। तो मनोज सिंह जी, हम आपसे ये जो फिश फार्मिंग है, मछली पालन है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। पहले तो आप ये बताइए कि कैसा चल रहा है आपका खेती और ये फिश फार्मिंग यानी कि मछली पालन का रोजगार कैसा चल रहा है आपका? ये तो आप देख ही रहे हैं, अभी गेहूं का फसल भी है, इधर मछली का पालन भी है। ओके ओके, तो अच्छा है। मूलतः आप किसान हैं? हाँ। मूलतः आप किसान हैं, खेती आप करते हैं, और ये मछली पालन का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्योंकि आपके पास खेती है, और ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में? ये आइडिया एक साल के अंदर में, करीब 10 साल से हम किए हुए हैं। अच्छा, ये आप जो फिश फार्मिंग है 10 साल से आपका? बहुत बचत है। अच्छा, बचत यह है कि 10 कट्ठा हमारे, मैंने 8 कट्ठा में हम गड्ढा खड़ा हुए। ये जो आपका गड्ढा है, 8 कट्ठा में जितना भी फसल होगा उससे दुगना देगा, तिगना तिगना इनकम देगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि 8 कट्ठे में जो ये फसल, जो ट्रेडिशनल फसल जिसको कहते हैं धान गेहूं वगैरह वगैरह, 8 कट्ठे में जो ये प्रॉफिट देगा, वो ये 8 कट्ठे के फिश फार्मिंग में इससे तिगुना फायदा देगा। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जब हम खेती करते हैं, चावल दाल गेहूं वगैरह फसल हम उगाते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 10 कट्ठे में करते हैं, तो ये जितना इनकम हमारा ये फसल देता है उससे दो गुना तीन गुना ज्यादा कमाई हमें फिश फार्मिंग से होता है, यानी मछली पालन से होता है। मनोज जी, अब हम थोड़ा सा मछली पालन कैसे करते हैं आप इसके लिए थोड़ा सा जो कुछ जानकारी है, ताकि जो हमारे श्रोता सुनने वाले हैं वो भी आपसे प्रेरित होकर के मछली पालन का रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपने जो जीविकोपार्जन है उसको बढ़ा सकते हैं। थोड़ा इनके 3-4 5 रकम का होता है। अच्छा, इसमें 6 महीने में एक मछली तैयार हो जाता है। मछली में तो रेहू सबसे बढ़िया टॉप मछली है, ये है। अच्छा, रेहू टॉप मछली है, इसमें समय लगता है 1 साल। 1 साल समय लगता है मछली को? मतलब रेहू का जो दाना आप डालते हैं, जिसे आप जीरा कहते हैं, वो डालते हैं, तो रेहू तैयार होने में 1 साल लग जाता है? ओके ओके ओके। 6 महीना में जैसे लादुफ हो गया, जाफर हो गया, ओके, ये सब मछली 6 महीने में तैयार हो जाता है। ओके, 6 महीना में तैयार हो जाती है ये मछलियाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी कुछ कुछ ख्याल करते हैं इसका? हम समय पर गोबर देते हैं खाने के लिए इसको। अच्छा, जैसे कतला मछली हुआ गोबर खाता है, रेहू हुआ घास भी खा लेता है, दाना भी खाता है, खल्ली भी शुरू में खा लिया, और अंडा का प्रयोग करते हैं, खल्ली में अंडा सान के शुरू में हम लोग देते हैं। अच्छा, खल्ली में अंडा सान करके देते हैं, फिर बच्चा जीरा जब 2 इंची 2.5 इंची में हो जाता है तो उसके बाद छोटा सा बच्चा के लिए दाना आता है, उसको दाना के यूज करते हैं। ओके 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 ओके, आपकी ये बात मुझे बहुत इंस्पायर की, और लोगों को भी, हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें भी, कि इस फसल में यानी कि फिश फार्मिंग में हमें कई गुना ज्यादा फायदा होने की संभावना रहती है। कम जमीन में कम जगह में एक सबसे ज्यादा फायदा होता है, और ज्यादा से ज्यादा जमीन 2 बीघा अगर 4 बीघा हम गेहूँ के ऊपर फसल उगाते हैं और या धान के, तो मुताबिक इसमें ज्यादा बचत है। कम 8-10 कट्ठा में आप फार्म खोल लेते हैं उसको, अगर सही समय से, तो जितना 4 बीघा का इनकम होगा साल में उतना 6 महीना में देगा। ओके ओके। मनोज सिंह जी, एक बात आप बताए, आप जैसा कि आपने मुझे बताया कि पहले से आपकी खेती का काम चल रहा है, आप फसल, कई तरह के फसल आप उगाते हैं, तो ये बताइए कि इसका ख्याल, मछली पालन का ख्याल आपके दिमाग में कैसे और क्यों आया? ये बंजर भूमि थी। अच्छा, ये बंजर भूमि थी। हाँ, तो जाता था उसको, गड्ढा खना कर मछली पालन कर, 1-2 साल के तो हमको लाभ बुझाया,
अच्छा, तो लाभ बुझा तो हम मछली का काम चालू कर दिए। ओके, अब आज तो बहुत बढ़िया इनकम दे रहा है। अच्छा, बढ़िया इनकम दे रहा है, जैसा कि आपने कहा दोगुना तिगुना इनकम दे रहा है। आप जो पहले खेती करते थे तो जो आपको इनकम होता था मछली पालन साथ में करने से, आपके आमदनी में क्या उछाल आया? जितना पहले था उससे तिगुना हम इनकम कर रहे हैं। तिगुना इनकम कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा मनोज जी आपका, आपकी जो बातें थी, आपने जो मछली पालन से संबंधित आपने जितने भी बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि जो हमारे श्रोता सुन रहे होंगे वो भी इससे इंस्पायर्ड होंगे। और मछली तो भाई कहा जाता है भाई शुद्ध है ना। तो चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ये थे हमारे मनोज सिंह जी, नौबतपुर के रौनिया गांव में ये रहते हैं और खेती के साथ साथ मछली पालन करते हैं। और इनके अनुसार खेती में कमाई तो थी, लेकिन उससे ज्यादा कमाई, उससे ज्यादा इनकम, उससे ज्यादा प्रॉफिट इन्हें फिश फार्मिंग यानी मछली पालन में हो रहा है। इनके ही कहने के अनुसार 8 से 10 कट्ठा की खेती, जो हम ट्रेडिशनल खेती करते हैं, उसमें जितना इनकम होता है उससे ज्यादा इनकम 8 से 10 कट्ठे फिश फार्मिंग में होता है, उससे ज्यादा होता है, उससे ज्यादा और भी ज्यादा होने की संभावना है। तब जब हम और भी ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा क्योर करें और ज्यादा थोड़ा सा सीरियस हो इसके प्रति। तो चलिए, मिलते हैं।